भारत अब लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी इस क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम उत्साहजनक परिणाम दे रही है। जब इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग और वो भी ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होता है तो स्वाभाविक है दुनिया के देशों से ऑर्डर भी मिलते हैं, ज्यादा अवसर भी मिलते हैं और सस्ते ये हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स जो बड़ी मात्रा में एमएसएमई बनाते हैं, इस समय जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा बड़ा बना है उसमें ये इंजीनियरिंग गुड़ का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये भारत के लोगों के कौशल्य का और भारत के एमएसएमई की ताकत को प्रदर्शित करता है। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम देखें, यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, एमओयू जो हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, एमएसएमई क्षेत्र के लोग आ रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में, ये अपने आप में उत्साहवर्धक है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है और देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं, आगे आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई को जेम उसके माध्यम से सरकार में जो सामान की खरीदी होती है उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है और वो प्लेटफॉर्म के कारण आज बहुत सुविधा बनी है। उसी प्रकार से हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, वो निर्णय ये है कि सरकार में 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर होंगे वो टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, उसमें हिंदुस्तान के लोगों को ही अवसर दिया जाएगा और जिसके कारण हमारे एमएसएमई सेक्टर को और इसके द्वारा हमारे रोजगार को बल मिलेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।